आगे बढ़ते हैं। इन दिनों आधा हिंदुस्तान जल प्रलय से जूझ रहा है। वाराणसी में भी गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। इससे घाटों का संपर्क आपस में टूटा तो वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। गंगा में उफान आने के बाद सोमवार सुबह से जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए फिलहाल बंद करा दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में 24 घंटों में 2.4 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर बढ़ोतरी हुई है। अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ को रखा गया है। नौका संचालन फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद रखे गए हैं। यूपी के कई जिलों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ के खतरे को लेकर प्रयागराज, वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेरठ में तटबंधों को ठीक किया जा रहा है। गंगा में उफान है, गंगा में वेग है और धारा जो है वो अपने प्रलय की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे एक मंदिर को। ये एक मंदिर हो सकता है, बड़ी शीतला जी की ये मंदिर है, दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। लेकिन कामोबेश यदि हम बनारस के मंदिरों की बात करें, खास करके उन मंदिरों का जो घाट पे स्थित है, इनकी स्थिति एक सी है। या तो वो आधी डूबी है, या प्रवेश द्वार उसका बंद है, या फिर पूरी की पूरी मंदिर समा गई है। यदि हम आपको लॉन्ग व्यू में यदि बनारस को दिखाएं, गंगा को दिखाएं, तो गंगा की जो वेग दिख रही है आपको, ये बेहद तेज है। नौका कोई भी नहीं इस समय चल रहा है, वजह साफ है कि वेग इतना ज़्यादा है कि नौका को संभालना और नौका को चलाना दोनों जोखिम भरा हो सकता है। जो सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है। यही हालात रहा तो कल सुबह तक, या ये कहा जाए कि अगले 12 से 18 घंटे में समझा जा सकता है कि जो शहर में है या निचले इलाके में है, वहाँ भी गंगा प्रवेश करेगी। और स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब उन इलाकों में गंगा प्रवेश करेगी तो तबाही का मंजर, परेशानी की मंजर या फिर विभीषिकाएँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। घाट का किनारा है, लोग स्नान कर रहे हैं लेकिन बच के कर रहे हैं। लेकिन फिर से हम अपने बेग पे आएंगे और वो बेग गंगा की। आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से बेग है, जिस ढंग से बहाव है गंगा में, जिस ढंग से धार की कटान है, ये निश्चित तौर पे इस बात का द्योतक होता है जल स्तर अभी बढ़ेगा। और बढ़ेगा ही नहीं, सबसे बड़ी जो बातें आएंगी वो ये कि लोगों के लिए परेशानी की सबक बन के ये आ रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, मंदिरें डूब गई हैं, घाट की सारी मंदिरों में प्रवेश बंद है, घाट का प्रवेश एक दूसरे से कनेक्शन टूट चुका है। कुल मिला के घाट वासियों के लिए इस समय गंगा परेशानी की सबब लेके आई है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाए। और मेरे सहयोगी सुशील कुमार गोरखपुर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। गंगा नदी भी उफान पर है, गोरखपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और लगातार जो है बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पे है। इस समय हम राप्ती तट के पास मौजूद है। यहाँ ये जो गोरक्ष घाट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कल रात से थोड़ा पानी जरूर कम हुआ है, जिससे सीढ़ियों तक पानी था और नीचे गया है। लेकिन ठीक यही राप्ती अब आगे जब देखेंगे तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी उस तरफ गांव के अंदर पानी घुस चुका है और चारों तरफ केवल आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अब ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब राप्ती का तांडव मचता है तो निश्चित रूप से सैकड़ों घरे जो है, सैकड़ों गांव, सैकड़ों हो जाते हैं। उस पार आप नाव भी देखेंगे, सरकारी नाव पूरी तरीके से तैयार खड़ा है कि इनकेस कोई भी जरूरत हो तो तत्काल वो रन कर सकता है और वो जो है मदद लोगों तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राप्ती हो, आमी हो, रोहिणी हो या फिर गुर्रा हो, जो नदियों में जलस्तर जो बढ़ा है वो अपने आप पे चिंताजनक है। फिलहाल राप्ती के जिस गोरक्ष घाट के पास हम मौजूद है, यहाँ राप्ती का पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन यही पानी जो कम हुआ है वो उस तरफ बढ़ गया है, यानी इधर की कटान छोड़ करके अब गांव की तरफ वो रुक कर रहा है। और ऐसे में गांव के पूरे बाहर तक जो है पानी आने लगा, यानी गांव के मुहाने के अंदर घुस चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और गांव में पानी आने की वजह से लोग जो है बंधे का सहारा ले रहे हैं, निश्चित स्थान का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधक ने भी बकायदे जो है एक पूरी मॉनिटरिंग के लिए एक चौकियां बना दी है और अलग अलग सभी तहसीलों में एक चौकी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहाँ का जलस्तर कितना देर में और कैसे बढ़ रहा है, इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है। जी ठीक है सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिजनौर से मेरे एक और सहयोगी राजवीर जुड़ चुके हैं। राजवीर, बिजनौर में क्या हालात हैं बाढ़ और बारिश के चलते? इलाके में है
और मालन नदी है, कोटा वाली नदी है, पहाड़ा नदी है, ये सब उफान पे हैं। और इनके कुछ जगह ऐसे हैं जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लोग रास्ते से नदी पर को निकल कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। और दर्जनों गांव शहर से टूट गया है, जो जरूरी लोग जिनका जरूरी जाना है वो भी जान जोखिम में डालकर अपना सफर तय कर रहा है, पानी में निकल के जाना उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि लगातार जो इस तरह वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, गंगा का जो फ्लो है वो भी तेज है, और जो आसपास जो खेती किसानी करते हैं लोग, उनके खेतों में भी पानी भरा हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं। और कुछ जगह पर इस तरह के भी सूचनाएं हैं जहां पर जो है गंगा भी है, सैकड़ों बीघे गंगा में समा गई है खेती की जमीनें, और जिससे किसान बहुत परेशान है। मुआवजे की मांग किसान यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जी प्रिया, आप जरा ये भी बताइएगा, सरकार की ओर से क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के घर बार सब अस्त व्यस्त हो गए, यानी कि लोगों के जनजीवन में भी असर इसका पड़ा, प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया अब तक? प्रिया, इस मामले में सरकार भले ही संवेदनशील हो, लेकिन अफसर में अभी तक किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जो गंगा कटान कर रही है जहाँ पर, वहाँ से दौरे तो अफसर कर रहे हैं लगातार, और लगातार अफसर वहाँ पे गाइड भी करके आ रहे हैं कि गंगा की तरफ को मत जाना, वहाँ के रास्ते भी प्रतिबंध कर दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी मुआवजे का मरहम इन लोगों को नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी तक कोई किसी किसान की कोई मदद यहाँ पर नहीं की गई है, जबकि सैकड़ों बीघे फसलें उनकी गंगा में समा चुकी है। जी प्रिया, ठीक है, बने रहिएगा आप दोनों। बनारस से मेरे एक और सहयोगी संतोष ओझा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, हमने देखा वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है, और मणिकर्णिका घाट और जहां पर आरती हुआ करती थी हरिश्चंद्र घाट, घाटों पर जो कार्यक्रम होते थे उन्हें बदल दिया गया है, शवदाह भी जहां पर होते थे उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है। अभी वहां का जलस्तर कितना पहुंचा है? आने वाले दिनों में खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है क्या वहां पर? उफान है, और इस उफान के पीछे मध्य प्रदेश में लगातार चल रही बारिश है कारण बताया जा रहा है। यदि हम बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 1 मीटर पानी बढ़ा है, मतलब 3.5 फीट पानी बढ़ा है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। आने वाले दिनों की यदि हम बात करें तो जो गंगा तट के रहने वाले लोग हैं या नाविक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अभी गंगा का जल स्तर बढ़ेगा और ये बढ़ाव पे रहेगा। लेवल की बात यदि हम करें तो खतरे की जो पॉइंट है वो 71.27 मीटर है, जो अभी तक 6 मीटर मात्र पीछे है, या ये कहा जाता है कि जलस्तर नीचे है। समझा जा सकता है कि घाट की चाहे वो आरती हो, चाहे दशाश्वमेध की आरती हो, या फिर हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट के सौदा हो, इन सब पे न केवल प्रभाव पड़ा है इन बरसात ये गंगा के बाढ़ से, बल्कि लोगों ने अपने जगह को भी बदला है। मणिकर्णिका घाट की यदि हम बात करें, शमशान घाटों में एक घाट, निश्चित तौर पर लोगों को काफी परेशानी की सामना करना पड़ रहा है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, और कमोबेश यही स्थिति हरिश्चंद्र घाट का भी है। लोग आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, क्योंकि जिस जगहों पे सौदा हुआ करता था उस जगह पे अभी अपना जल ने कब्जा जमा रखा है, बाढ़ का वहां पे काबिज है। समझा जा सकता है कि लोग हैरान है, परेशान है। रही बात गंगा के बढ़ने की, निश्चित तौर पर प्रिया ये कहा जा सकता है कि गंगा अभी बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। जी सुशील, मेरे साथ गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आपने जैसे अभी बताया कि अब नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांवों के मुहाने तक पहुंच चुका है, ऐसे में पानी को निकासी के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है वहां पर? ये नदियों के पानी जब गांव के अंदर घुसता है तो इसको निकालने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार गांव के अंदर जाता है। अब वो जब धीरे धीरे नदियों का जलस्तर कम होगा तभी जाकर के धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा या पानी सूखेगा, क्योंकि गांव के अंदर जब ढलान होता है और जब नदियों का रुख बदलता है तो वो पानी की लहरें इतनी ज्यादा होती हैं कि उनको पानी का कैसे कम करेंगे, इसलिए क्योंकि जब तक वो पानी कम करेंगे दूसरी तरफ से फिर पानी का बहाव अंदर आता जाता है। तो ऐसे में पानी नदियों के जलस्तर को कम करना शायद प्रशासन के बस की बात नहीं है, वो प्रकृति का ही देन है, लेकिन ये जरूर है कि बंधे और तमाम अन्य व्यवस्थाओं के जरिए हम इससे थोड़े से लोगों को निजात जरूर जो है दिला सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन अक्सर जो नदियों के आसपास के जो इलाके रहते हैं, जो गांव हैं,
वो इससे पूरी तरह से महरून हो जाते हैं, और महरून होने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो जो आसियाने हैं वो उनके सामने तिनकों की तरह बह करके जो है दूर चले जाते हैं। सुशील, जितना संभव हो सके साथ ही साथ बात करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा, संभव हो सके तो तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखाते रहिए। बिल्कुल प्रिया, हम आपको तस्वीरें पहले दिखा लें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो ये जो राप्ती का जो नदी है ये आप देखेंगे कि यहाँ जो गोरक्ष घाट पे जब हम आए तो यहाँ तक ये पानी था, लेकिन महज कल रात से थोड़ा सा इस तरफ जब पानी कम हुआ है तो पानी का बहाव उस तरफ ज्यादा बढ़ा है। जिस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरफ आप देखेंगे गांव के अंदर पानी एंट्री कर रहा है। हम वहां के भी अभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जब वो पानी अंदर जा रहा है तो गांव के अंदर पानी जा रहा है, और गांव के अंदर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं गांव के जितने भी जो फसल है उनको नष्ट कर रहा है, फसल डूब रही है, और खासकर जब गांव में आसियाने डूब रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसानों को या ग्रामीणों को परेशानी तब हो रही है जब उनके पशुओं को लेकर के हो रही है, उनके पशुओं की चिंता है कि पशु को कहाँ पे स्थिर रखा जाए, क्या की व्यवस्था किया जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि गाँव पे जिस जगह शौचालय नहीं है या शौचालय डूब गए हैं तो वो शौच करने कैसे जाएंगे, अपने साग सब्जी लाने कैसे जाएंगे, या अपने दिनचर्या को कैसे करेंगे, तो ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है परेशानी, जिसको लेके जिला प्रशासन की तरफ से नाव लगाए गए हैं, तकरीबन 17 नाव लगाए गए हैं छोटे बड़े मिलाकर के, उन नाव के जरिए जो है वो लोग अपने जो है कामों को कर रहे हैं और एक सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां बड़ी हैं, ये कुछ दिनों तक रहेगा जब तक नदियों का जलस्तर कम नहीं होगा। फिलहाल प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। जी प्रिया, बिजनौर से लगातार राजवीर भी जुड़े हुए हैं। राजवीर, बिजनौर में क्या हाल है, क्या यहाँ भी गांवों के भीतर पानी घुसना शुरू हो चुका है? कई गांव में पानी आ गया है, जो गंगा किनारे के गांव है उनमें पानी भरा हुआ है और लगातार उनके खेतों में भी पानी भर रहा है, उनके गन्ने की धान की फसलें जो तबाह हो गई है, और जो कुछ सुपर नदी है उसका जलस्तर इस तरह बहुत है, काफी बड़ा हुआ है। उससे लोग ग्रामीण जो है वहाँ के आसपास के दर्जन भर गाँव के ग्रामीण है, जो रास्ता बना हुआ था उनका नदी में वो निकलना चाहते थे, लेकिन वो भी डूब गया है रास्ता, और उसमें बाकायदा वो एक जान जो सीमा डालकर सफर तय कर रहे हैं। और जो हालात है इस समय, अगर बारिश नहीं रुकी जल्द तो हालात बिगड़ सकते हैं, और भी कई गाँव में पानी आ सकता है, और जो है गंगा का जो फ्लो है वो भी तेज हो सकता है, जो गंगा किनारे के जो खेत हैं वो लगातार कटान हो रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो अभी और ज्यादा नुकसान यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ सकता है। अब राजवीर, चूंकि पहले ही 3 से 4 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश वासियों को अभी बारिश से कम राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसे में नदियों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, फिर सुरक्षा के क्या उपाय सरकार की ओर से किए गए, प्रशासन कितना मुस्तैद है इस वक्त वहां पर? प्रिया, इस मामले में ये बात आपकी सही है, अभी 2-3 दिन में लगातार बारिश होने की संभावनाएं हैं, मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया है, और यहाँ के अफसरों ने भी जो गंगा किनारे के बसे गांव हैं, गोसपुर है, गोहरपुर है, टीमली कला है, फतेहपुर है, और भी बहुत गांव हैं जो गंगा किनारे के गांव हैं, उनमें अलर्ट कर रखा है जिला प्रशासन ने, और लोगों को सूचना दे रखी है कि गंगा के किनारे ना जा तो भी पानी बढ़ सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रशासन जागरूक है, लोगों को भी जागरूक कर रहा है, और उसके बावजूद ये लगातार अगर बारिश पड़ती रहती है 3-4 दिन तो जाहिर सी बात है गंगा का भी फ्लो बढ़ेगा और गंगा जो नदियों का है वो भी उफान पर आएंगी और कहीं ना कहीं फसलें भी उससे तबाह होंगी। जी संतोष ओझा वाराणसी से ये भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, चूंकि आज सावन का सोमवार है और ऐसे में काशी में काफी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, ऐसे में प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, भीड़ भाड़ के साथ लोगों को कंट्रोल करना है, तमाम घाट पानी में डूब चुके हैं, ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए क्या तैयारी? लेकिन इस तौर पे सावन का दूसरा सोमवार आज है और भक्त गंगा स्नान करने के बाद शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। बात यदि हम दशाश्वमेध घाट या फिर उससे जुड़े हुए विश्वनाथ मंदिर के आसपास के घाट की करें तो इन घाटों पे पुलिस की जल पुलिस और साथ ही साथ ब्रैकेटिंग की गई है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग गहरे पानी में न उतरें, बावजूद उसके उसमें सिपाही और पुलिस खड़े होकर वहां पे लोगों को लगातार के बाद जल निकले, जैसे सुबह भी देखा गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने आज मुस्तैदी दिखाई और कुछ लोगों को समझा के जो घूमे आए बात के लिए ताकीद कर रही थी कि वो गहरे पानी हो, यदि गंगा की बाढ़ का लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजाम करते हैं, खुद इंतजार करते हैं, और रही बात इंतजाम की प्रशासनिक रूप से तो अभी इसमें कोई भी न कोई उपाय दिख रहा है और न ही प्रशासन में अपने आप को कहीं से सक्षम पाता है, ये आस्था करता है
तो लोगों को हमने सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, या ऐसे कहा जाए कि सही मायने में इन घाटों पर प्रशासनिक रूप से कोई इंतजाम कभी भी नहीं हुआ करती है। जी ठीक है, सुशील भी गोरखपुर से लगातार अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, हर साल बाढ़ बारिश के चलते हम देखते हैं, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, भारी तबाही होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, नावें वहां पर तैनात की गई हैं ताकि लोग आना जाना कर सके, शहरों से संपर्क टूट जाता है, बिजली ठप हो जाती है। ऐसे मुश्किल दिनों में क्या पहले से प्रशासन की ओर से तैयारी कोई नहीं की जाती है कि जब बारिश का मौसम आएगा इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो पहले से प्रशासन सतर्क रहे, तैयार रहे, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो पाए? सही सवाल किया प्रिया आपने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रशासन को कर ले तो जल जमाव की स्थिति पूरे शहर में होती है, हर साल होता है, और हर साल प्रशासन को पता रहता है कि बारिश के दिनों में एक घंटे अगर बारिश हो गई तो कई जगहों पर स्थिति हो जाएगी और लोगों के जो है परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन वो व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की कर पाती है प्रशासन, और लगातार प्रशासन जो है आम लोग जो है उससे परेशानियों का सामना करने को मजबूर रहते हैं। अब ऐसे में जब शहर की व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो सकती है तो आप गाँव की तस्वीर क्या समझेंगे? गाँव में जिस तरीके से नदियों का जलस्तर अंदर जाता है, नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से पूरे गाँव में पानी घुस जाता है और उनके आसियानी उनके सामने तिनकों की तरह बह जाते हैं और पूरी तरीके से कि जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, किसी बंधे पर या किसी सुरक्षित स्थानों पर वो जो है शरण लेकर के किसी तरीके से अपनी जीविका चलाते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन केवल कुछ राहत के समय जो है राहत इसलिए पहुंचा देता है कि कुछ अनाज की व्यवस्था करा देता है, कुछ जाकर के उनसे बातचीत कर लेता है, उनकी व्यवस्था नाव करा देता है कि नाव से वो इधर उधर जा सकते हैं, बस इतने ही जो है उनके जख्मों पे मरहम लगा देता है। बाकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, यानी अगर पानी जिस तरफ से घुस रहा है उसको जो है वहां पे कटान जहां कट रहा है उसको पूरी तरीके से एक सुदृढ़ व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिस बंदे को खतरा है कि ये बंदा तोड़ करके पानी अंदर जा सकता है तो उस बंदे की जो है मरम्मत अच्छे से कर देनी चाहिए। जिस तरफ से पानी अंदर जाता है, जिस तरफ से नदियां जलस्तर बढ़ती है तो कटान करके पानी अंदर जाता है, तो उन चीजों को अगर पहले से देखा जाए तो निश्चित रूप से एक प्लान के तहत उन सभी चीजों पर जो है हम जो है लगाम लगा सकते हैं और बहुत हद तक, बहुत लोगों को तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत हद तक कुछ प्रतिशत तक हम लोगों को बचा सकते हैं, उनके आसियाने को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन शायद हर साल ये त्रासदी देखने को मजबूर रहते हैं आसपास के लोग और खासकर नदियों के आसपास के रहने वाले लोग, हर साल बारिश के मौसम में डर सहमे जाते हैं कि कब जल स्तर बढ़ेगा और कब नदियों का पानी अंदर घुस जाएगा और उनके सारे आसियाने तिनकों की तरह बह जाएंगे। तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है हमारे देश की कि जब इस परेशानी को हर साल बाढ़ बारिश के चलते इतना नुकसान होता है लेकिन उसके बाद भी हम कोई सबक नहीं सीखते हैं। जरा उन अन्नदाता के बारे में भी सोचिएगा जो कड़ी मेहनत करके धूप छाव सहकर अपनी फसलें उगाते हैं लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है ज्यादा बारिश होती है और उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर लोग अपना घर तैयार करते हैं लेकिन एक बारिश आती है उनका घर नष्ट हो जाता है और इसके बाद फिर प्रशासन और सरकार की ओर से सिर्फ मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी अपडेट में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।